हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सब हमारे जना फैमिली के फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत ग्रीटिंग्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग बहुत वक्त बाद मुलाकात कर रहे हैं इस अपने गुफ्तगू टॉपिक पर। और दिस गुफ्तगू टॉपिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच वी हैव बीन डूइंग अर्लियर ऑल्सो। व्हेन यू मिस समवन, इट मीन्स यू रियली केयर अबाउट पर्सन एंड यू वैल्यू देम एंड यू नीड दिस पर्सन इन योर लाइफ बिकॉज इट मेक्स यू फील बेटर एंड यू हैप्पियर वन। गुफ्तगू इंसान खासकर जो दिल के करीब होते हैं उन्हीं से कर सकता है। हालांकि गुफ्तगू तो हर एक से करी जा सकती है, लेकिन जो दिल की बात होती है खास करके वो दिल के करीब लोगों से ही की जा सकती है। कि तो आज के इस टॉपिक में हम इनवाइट करेंगे अपने जना फैमिली मेंबर्स को और किस पे आके कुछ वो भी गुफ्तगू करें। और मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर श्री अली शहनशाह जी को कि ज्वाइन करें और इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है सर। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक ये लाउत्सा जो है हमारा एक चाइनीज फिलोसोफर था, उसका मैं कोट आपको बताता हूँ कि लाइफ एंड डेथ आर वन थ्रेड, लाइफ एंड डेथ आर वन थ्रेड, द सेम टाइम लाइन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। लाइफ एंड डेथ आर वन थ्रेड मतलब एक डोरी है, रस्सी की डोरी डोरी है, एक ही वक्त पे, और लाइन उनका नजरिया अलग है, व्यू डिफरेंट टाइम्स फ्रॉम डिफरेंट साइड। कई लोग जब देखिए दोनों इट इज नेचुरल टू बी बोर्न एंड नेचुरल टू पास अवे, देयर टू रियलिटीज व्हिच यू कैन नॉट ओमिट और कैन नॉट इरेज मच एज यू माइट टेक एनी काइंड ऑफ टॉनिक्स। तो ये चीजें हैं कि लाइफ में कई चीजें होती है जो हम लोग बचपन से बुढ़ापे तक देखते हैं कि नोकझोंक चलती है, लड़ाई चलती है। बचपन में टीन एज में कुछ और होता है, फिर कॉलेज में कुछ और होता है, फिर शादी होती है तो कंटिन्यूस वॉर गेम्स होते हैं हम लोग के, वॉर गेम्स होते हैं। आजकल तो खैर डिजिटल वॉर गेम हो गया है व्हाट्सएप पे और इस पे। और फिर एक ऐसी उम्र आती है कि भाई अब चलो हो गया है, माँ बाप के साथ भी कभी माँ चली जाती है कभी बाप चले जाते हैं, तो वो एक बड़ी मीठी सी याददाश्त छोड़ देते हैं, बहुत मीठी सी। और उस याददाश्त को मतलब ये आदमी भुला नहीं सकता है, तो उसमें कई सीख है, कई कहते हैं यादें हैं जो आदमी हमेशा देखता है कि भाई हमने क्या खोया क्या पाया। और अगर हमेशा वो लॉस पे जाता है तो ऐसी बात नहीं है कि भाई उनके हर एक देखिए हर एक चीज होती है उसकी कहीं ना कहीं वो गैप फिल इन हो जाती है। एक खोया जैसे अगर मैं चला गया या कोई चला गया तो कहीं ना कहीं से वो फिल इन हो जाता है, यादें बहुत रहती हैं, यादें बहुत रहती हैं। और यह है कि वो भूल भी नहीं पाते हैं, तो उसमें आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है और क्या कहते हैं उसमें आपको अडेप्ट करना पड़ता है। और आगे जिंदगी मस्ट गो ऑन, द लाइफ मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। ट्रू तो जी हाँ बोलिए 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 जी। तो ये मेरा शुरुआत है, अब आप कुछ उदाहरण करिए और फिर हम लोग आगे आगे चलेंगे धीरे धीरे। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी कुछ नहीं लेकिन यादों का ढेर है। हम उसी यादों के ढेर पे जी रहे हैं। लाइफ इज नथिंग बट ए हीप ऑफ मेमोरीज, बड़ा ही सुंदर कहा है किसी ने। और वो यादें जो है हम अपने नजदीकी करीबियों से जब गुफ्तगू करते हैं तो उसमें बड़ी खुशी मिलती है, और उसी खुशी के सहारे
हमें स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है जिंदगी को आगे जीने की। तो ये बहुत जरूरी है आपस में गुफ्तगू करना अपने करीबी से, अपने मित्रों से, अपने स्पाउस से, चाहे लड़ाई हो लेकिन वो तो पार्ट ऑफ द गेम, वो उसमें भी मजा है। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल कुछ तो उसमें भी और इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढते हैं, जो जाने अनजाने में उस लड़ाई को या तो खत्म कर देती है और बढ़ा देती हाँ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, किसी सज्जन पुरुष ने कर रहे थे अपने वाइफ के साथ खड़े होकर बालकनी में, तो उसके बाद वाइफ ने बोला, भाई ऐसा है कि गुफ्तगू करनी है तो प्रेम से करो, लड़ झगड़ के ना करो। हाँ उसने कहा, भाई हम लड़ झगड़ थोड़ी रहे, हम तो खाली जैसे आप बात कर रहे हो अभी बात कर रहे हैं। उसने कहा, अच्छा, ठीक है, बस बस बस, अब मैं जा रही हूँ बाहर, वहां से तुम्हारे लिए कुछ लाऊं। तो वो अपना अपने ध्यान में अपना चाय पी रहे थे, कि हाँ जो मर्जी हो ले आना। अब उनका चौमिन, कहते जो मर्जी हो ले आना। अच्छा, कि भाई हाफ प्लेट लाऊं या फुल लाऊं। उनको उल्टा कुछ अलग सुनाई दिया कि वो आधा लाऊं या पूरा लाऊं, हाफ लाऊं फुल लाऊं। तो बोले भैया, तुमको तो हर टाइम यही सूझी रहती है शराब की लड़ाई चालू। तो ये भी एक अलग मजा है गुफ्तगू, ना और नोकझोंक का परिवार में और आपस में, और चलना चाहिए, वही एक लाइफ है। और खट्टा मीठा है ना होना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही है। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन नहीं है, नहीं तो बड़ा बोरियत हो जाएगा। वो जिगजैग है, सही बात है। मजा उसी में है और इंटरेस्ट उसी में है। एक सीधी यात्रा में आप भी बोर हो जाओगे, हाँ जैसे विदेशों में जो सीधी सड़कें बना दी है ना, सीधी नाक की सीधी आ रहे हो आप, कुछ है ही नहीं दाएं बाएं, सब वो रेगिस्तान है या कुछ है, अंजर बंजर है, तो बड़ा बोरियत हो जाती है। बिल्कुल अब हमारे यहाँ आप जाइए, आप जो जिगजैग जहां पे उन रास्ते बने हुए हैं, आप यहाँ देखते जाइए और आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे पहुंच गए आप, सही बात। है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना, अगर खुद भी आप डिलिबरेटली लाइफ को थोड़ा दाएं बाएं करके चले, तो आप देख आपको बहुत ही फर्क लाइफ दिखाई देगी, जिंदगी दिखाई देगी। हमें भी काफी साल हो गया चलते हुए, वो कहते हैं ना जी, वो वॉक द बीटन पाथ। ऑफ द बीट बात सही बात है। हाँ, मतलब आप पगड़े उसी पगडंडी मत चलो जहां दुनिया जा रही है, आप भी थोड़ा तो हट के चलो, देखो क्या मजा आएगा। तो अब आपसे मैं क्या गुफ्तगू करूं, आप तो खुद ही घूमे हो पहाड़ों पे, खाक छानी आपने पता नहीं कहाँ कहाँ हिमालय की, है ना। तो एक बार हम चले जा रहे थे तो हमें रोना आया कि भैया ये क्या है, बर्फ ही बर्फ, सीधे चले। हाँ हाँ मोजा उठा के अपना पिट्ठू हाँ बैग, हाँ तो हमने कहा हाँ चलो थोड़ा सा रास्ता बदलते हैं। हाँ तो हमने गांव में जाना शुरू किया, हाँ अकेलेपन क्या फायदा। गांव से थोड़ा सा हमने कहा चलो गांव से गुजरते हैं बजाय सीधे जाने के, हाँ सारा वो माहौल चेंज हो गया। हाँ अब गांव में लोग हमको चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बैठने के लिए ऑफर कर रहे हैं, हाँ आप ठहर जाओ यहाँ पर, मतलब हाँ पूरा चेंज हो गया, पूरी हाँ यात्रा हाँ भी चेंज, बदल बदल। हाँ इतनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते आपको। तो जो इंसान है वो एक तरह के फूल है, आप समझ लो, जो जनता है, जो पब्लिक है, जो इंसान है, ह्यूमन है, डेकोरेटिंग दिस अर्थ प्लेनेट, वो भी एक फूल, गुलदस्ते की तरह है, पौधों की तरह है।
अगर फूल पौधे नहीं होंगे धरती पे तो फिर तो बड़ा नीरस जिंदगी हो जाएगी। मतलब हाँ रेगिस्तान में तो आदमी फिर बड़ा बोरियत लगता है ना, कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल एक एक बिल्कुल यही यही रीजन था जो हाँ रेगिस्तान वाले हमारे राजस्थान के लोग हैं, हाँ उन्होंने डेलिबरेटली जो रंग बिरंगे तेज कलर के कपड़े पहनने शुरू हाँ किए, वो हाँ हाँ एक यही ये भी एक उसका कारण था। आप देखो, इफ यू सी द बंच ऑफ पीपल गोइंग थ्रू द डेजर्ट, इट लुक्स लाइक फ्लावर। रंग हाँ बिल्कुल बिरंगी पगड़ियां पहनी हुई हैं और आप रेगिस्तान से जा रहे हैं तो मतलब लगता है जैसे ही वो फूल 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 है, मतलब वादियां हैं, फूल है, पेड़ पौधे जी हैं, जी दूर से जी देखो तो राजस्थान में। जी जी तो एक खुशी देते हैं आपको, रंग भरते हैं आपके अंदर। ये भी हाँ उनका एक डेलिबरेट डेलिबरेट मूव था, पता नहीं किसकी सोच थी, किस जमाने में उन्होंने शुरू किया। राजस्थान के जो पूर्वज थे उन्होंने जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं रेगिस्तान में, बहुत तेज कलर के, देखा है ना आपने। जी हाँ, मगर वो रंग जो होता है वो ले आता है, और फिर इनके आपस में जो गांव में गुफ्तगू होती है, पता नहीं किस किस्म की पंचायत बैठती है और हर किस्म की बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ वही रंगीन कपड़ों में देखिए कैसी हालत है, पानी भी नहीं है और कई एक चीजें हैं, मगर तब भी वो खुशी हर हालत में खुश रहते हैं, है। हाँ खुशी होती है। यही है कि कहते हैं आप लोग को या गुफ्तगू करने से और एक दूसरे के, एक चीज है कि जो इसमें एक और बात है कि जो मिस हो जाता है हम लोग को, हम लोग बहुत मिस करते हैं। कई होता है, मैं आप जैसे आपने भेजा था कि हर एक चीज का वक्त नहीं होता है, और जब वक्त मिलता है तो हम नहीं रहते हैं। हाँ कभी खाने का वक्त नहीं था, कभी मिलने का वक्त नहीं था, कभी उसके का वक्त नहीं था, मगर जब वक्त हम देखते हैं कि हमारे पास वक्त मिला है तो जो हमारे आमने सामने थे वो थे चले गए, चले गए। तो उसमें ये जो है यादें होती हैं जी, बहुत यादें होती हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई काश हमने वो उस वक्त, गुफ्तगू हाँ गुफ्तगू करी वो होती। हाँ उसकी उनसे बात कर ली होती, हाँ काश हमने ये कर लिया होता। तो बस मतलब यही है कि जिंदगी के ये कुछ पहलू, हसीन पहलू है जो आप मतलब भूल भी नहीं सकते हैं, चाहे वो गलतियां, गलतियों में भी आप देखिए सीख है, और कहीं ना इंसान है तो गलती करेगा, और गलती से अगर आदमी ऊंचा उठ गया तो माफी भी देना चाहिए, और माफियां भी और शरारतें भी याद रहती हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि पिछले महीने वो हमारे 50 साल हो गए थे हमारे स्कूल सेंटर के, अच्छा। है ना, तो जब बच्चे बच्चे गए वहां पे बच्चे, और एक महिला मेरे साथ भी आई थी, तो वो देखा मुझे, कहती आप कहाँ का, मैंने कहा मेरा मॉडल आप अभी पूछेगी तो आप बेहोश हो जाएंगी। तो कहती कौन से हैं आप, मैंने कहा पहले आप लिखिए फिर मैं लिखता हूँ। तो जब मैंने लिखा 1975, हाय हाय हाय, तो मैंने कहा ठीक है बस यह है। तो खैर वो 50 साल थे, और हमारे हमारे 50 साल के कोई था नहीं उस तुलना में, बस अच्छा। एक ही थी महिला जो कहते हैं बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं पहचान नहीं पाया पहले उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई आप, फिर मैंने कहा आप ये हैं, कहती हाँ मैं देख ही रही थी कि तुम, वो देखिए ये गुफ्तगू है डिफरेंट, मिस कर रहे थे कि आपने मुझे पहचान लिया तब, तभी मैंने आपसे बात की है। तो फिर हमने अपनी थोड़ी सी आगे बैठ के उनको हमने वो खुशी दी, और क्या है मैंने पहला उनको, फिर देखिए 50 साल की बात है, फिर अब टॉपिक कैसे 50 साल बाद शुरू हो, किस किस बात पे करें, हम क्या कहें कि तुम कहाँ थे, तुम कहाँ, तो हमने कहा कि भाई अब ये पूछा उन्होंने कि बड़ी कि तुम्हारी शादी तो हो गई होगी, बड़ी गौर से सुनिएगा। फिर मैंने कहा हाँ मैं अब आखिर कहाँ तक रुकता तक रुकता, तो बच्चे भी हो गए होंगे। हाँ वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, होते हैं, तो
फिर वो वही बच्चों का बेबाज बच्चों का, मैं उससे तंग हूँ, मैं उससे तंग हूँ, फिर वो बात हुई, फिर मतलब कुछ नॉर्मल बात हुई, वो गुफ्तगू हो गई, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, फिर वो थोड़ा सा आई। तो जब वो बाहर निकली, वो गाड़ी की तरफ जाने लगी, तो कहते हैं आप कहाँ जा रही हैं? कहती मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, मैं सीटी बजाता हूँ, वो आ जाएगा। कहती वो जमाने गए, वो जमाने गए। तो ये बड़ी मीठी यादें हैं, बहुत बहुत याद आती हैं, बहुत चीजें याद आते हैं। और वही वो नज़ारे थे बख्शी जी वहां पे, जो जो मुश्किलों हम लोग ने की है वहां पे, देखी हैं, वो अब सब इमारतें बन गई वहां पे, बेहतरीन हाँ करेक्ट। इमारतें बनी, चाहे फॉर बेटरमेंट ऑफ अवर्स। मगर जब मैं वहां गया ऑडिटोरियम में, तो मैंने देखा मेरे सामने एक नील गाय खड़ी है, अच्छा। बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा और पीकॉक्स खड़े हैं, मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, कम से कम था नेचर तो प्रिजर्व किया है, चाहे किया आप ये है। तो ये बड़ी मीठी यादें होती हैं, वो याद होती है कि भाई हमने कहाँ कुछ खोया, कहाँ कुछ पाया। करेक्ट, सही ये बोला मतलब आपने। इसको आपको लेके चलना होता कि भाई हमने ये करना है, और मतलब ये भूल नहीं सकते। जैसे एक मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा बख्शी जी, अभी मेरे पास अपलोडेड तो नहीं है, मगर पता नहीं आपको याद आएगा कुछ उससे कि नहीं याद आएगा। अभी मेरे पास ही थी, उसमें शायद आप भी हैं और हम भी हैं, सब हैं, मगर बड़ी मीठी यादें हैं। जैसे हम लोग वहां पे गए थे ना, तस्वीर यहीं पर थी, ये देखिए, हेलो, ये हाँ, देखिए, किश्तवाड़, ये पता नहीं याद आया कि नहीं। जी किश्तवाड़ का हाँ, ये याद है आपको, कुछ दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा हाँ ऊपर, हाँ, और थोड़ा ऊपर करना। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा पूरा आ डार्क, गया। हाँ, थोड़ा सा हिल रही है, हाँ, लेकिन हिलदा, मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, दोनों हाथ से पकड़ता हूँ। तो ये यादें हैं जो मैं बहुत आप, बढ़िया। हाँ, ये सरकंडू, जगह का नाम सरकंडू है। हाँ जी, आप, आपको देखिए कितनी अच्छी मीठी याद है आपकी, माशाल्लाह, कितनी याद अच्छी याद है आपकी। ये कश्मीर में हाँ, रीजन, किश्तवाड़ रीजन में जी, जगह है सरकंडू, जहां पे ये फॉरेस्ट रेंजर का केबिन है, बताइए जहां हम लोगों ने अपना कैंप बनाया था। आप माशाल्लाह याददाश्त कितनी अच्छी आपकी तेज है। हाँ, नहीं, वो धीरे धीरे याद आता है। हाँ, थैंक तो यू, थैंक यू। वहां पे एक बहुत हसीन एक अंग्रेजी का लफ्ज आपने भी सुना होगा, हम लोग के एक चेयरमैन और वो थे डायरेक्टर थे स्पोर्ट्स के, तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने, आपने सुना होगा ना जुमला होगा कि भाई ये क्वेश्चन इज नॉट डज नॉट बॉर्न। हाँ, ये भी एक याद है। हाँ, पैदा ही तो नहीं बच्चे, होता। हाँ, बच्चे ने कहा कि सर द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। उसने कहा भाई सुनो, जब पैदा नहीं हुआ है तो खड़ा कैसे होगा। भाई वो एक इंस्टीट्यूशन था अपने अपने आप में, और खुदा जाने कहाँ पे है। ये बड़ी मीठे मीठी मीठी यादें हैं, और मैं मिस करता हूँ बहुत उनके साथ। मैंने कई सफर किए, एक तो किश्तवाड़ का सफर किया, फिर उनके साथ मैं उससे पुरानी आंध्र प्रदेश गया था। अच्छा, तो हम लोग की इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, तो कोई साहब क्या क्या कहता था, 10th in India, मैं 10th in India। भाई 10th in India काफी उस टाइम कंपटीशन होता था। हाँ भाई, कम से कम तुम से फाइनल तो क्वालिफाई कर गए। हम लोग के पास उस टाइम स्पाइक्स भी नहीं थे, बहुत स्पाइक्स जो दौड़ने के लिए, उसके लिए तो हम भागते थे। और स्पोर्ट्समैन के क्या हालात, स्पोर्ट्समैन के, अब देखो उस दिन क्या हालात थी। डाइट हमारी 15 रुपए थी, 15 रुपए बहुत माने रखता था 70s में, 78 79, 76 में बहुत माने रखता था। खैर, हम भी करेक्ट। 16th in India, हमने कहा था 16th in India। तो वो एक इंस्टीट्यूशन थे, और उनकी यादें याद है कि क्या कहते हैं, माय हेड इज ईटिंग सर्कल्स। उनकी अंग्रेजी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, कोई उनकी अंग्रेजी भूल नहीं सकता है, और खुद बड़े दिलेर अच्छे आदमी थे।
हाँ, मगर उनको कुछ कुछ उनकी आदतें थी जो हम क्या उनको क्या माफी कर देते थे। हाँ वही तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग माहौल बनाती थी। हाँ हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर थे और वो पूरा अपना बना के रखते थे पूरा माहौल, हाँ और लोगों को बहुत हंसी आती थी जो उनका अपना लहजा था बात करने का। वो हाँ बड़ा लंबा चौड़ा कद, उनका कदबुत था अपना अपने आप का, 5 फीट 12 इंचेस थे वो, बताओ। ये मत भूलिए। सिक्स हाँ फीट नहीं थे, 5 फीट 12 इंचेस। अच्छा, 6 फीट नहीं। कहता वो, किसी ने कहा 6 फीट, कहता नहीं 5 फीट 12 इंच हूं मैं। अब उनको कौन, उनसे कौन बहस करेगा भाई जी। सकता, दैट इज ट्रू, सही बात है। वो वहां पे सरकंडू में जहां हम लोग रहते थे कैंप में, वो मैसेज आया नीचे से, डायरेक्टर साहब ने बेस कैंप से मैसेज भेजा कि हाँ आपके अगले दिन, मतलब अगले दिन आपके यहाँ कुछ ट्राइबल स्टूडेंट आ रहे हैं, हाँ अच्छा, मध्य प्रदेश के ट्राइबल स्टूडेंट, वो ठहरेंगे तो आपको भरपूर इंतजाम रखना है उनका खाने पीने का। हाँ हम परेशान हो गए, तो हमने फिर वो जो फॉरेस्ट रेंजर थे उनको बोला, भैया अपना घोड़ा दीजिएगा, मैं उड़ के गया तो अच्छा उड़ के आ जाऊंगा शाम को, सुबह उड़ के जाऊंगा शाम को उड़ के आ जाऊंगा, तो उनका ले जाओ भाई घोड़ा। क्या वो तो खच्चर था, मतलब पोनी, जो पहाड़ों पे काम आते हैं सब माल लगा लाद के ले जाने के लिए। मैंने सोचा जी अच्छा काम आएगा, वहां से वापसी में राशन राशन लाद के ले आएंगे। और उसके अगले कैंप में गए थे हम, अगले गांव में, नेक्स्ट विलेज जो था हमारे पास, नाम होंगे, वहां गए, वहां खाना वाना खाया, वहां पहुंचे हम, मेरे ख्याल आफ्टरनून पहुंचे थे, और 5 बजे के आसपास हमने खाना खाया शाम का। उसके बाद हमने कहा चलते हैं, तो वहां वो गांव वाले बोले चलते हैं, क्या मतलब तुम जाओगे तो रात हो जाएगी। हमने क्या हुआ रात हो जाएगी, तो उन्होंने समझाया रहे रुक जाओ जो सुबह सुबह चले जाना। हमने कहा नहीं, हमें जरूरी पहुंचना है, ये राशन पानी लेके, बटर वगैरह ले लिया था, चावल ले लिए थे, दाल ले ली थी, ले लिए सारे, क्योंकि वो अगले दिन पूरा स्टूडेंट ग्रुप आ रहा है ट्राइबल बच्चों का, तो हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। तो जब वो चौकी से निकले, पुलिस चौकी से, वो जो एग्जिट करते हैं गांव की, तो वहां भी उसने पुलिस वाले ने कहा कि भाई खतरा है, कहाँ जाओगे। अरे खतरा है, कहता है 100 किस्म के जानवर होते हैं। हाँ सर, जब जब भालू तो होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा भैया जानवर इतने खतरनाक नहीं होते, हो हाँ सकता है इंसान हो लेकिन जानवर खतरनाक नहीं होगा, हाँ देखी जाएगी। उसने बड़ा समझाया, मैं माना नहीं, मैं निकल गया। हाँ और रास्ते में हमें वो बकरवाल मिले, गडरिये मिले, और सबसे हाय हेलो करते हुए हम निकलते रहे। रात होने लगी, अंधेरा छा गया, और मशाल भी नहीं थी, फिर टॉर्च तो नहीं, थी नहीं, टॉर्च थी। हाँ नहीं, वो पगडंडी देख देख के चल रहे थे, जहां उस पगडंडी में बीड़ी पड़ी है कहीं पे, कहीं किसी का चॉकलेट का कोई रैपर पड़ा हुआ है, कोई सिगरेट का पैकेट पड़ा, वो खाली खोल पड़ा हुआ है, तो देख देख के पगडंडी पगडंडी हम चले जा रहे थे, उसको घोड़े को लेकर, वो सामान लादा हुआ। हमें लगा कि हम पहुंचना मुश्किल है, तो फिर हम रास्ते में जो गांव आया, उस गांव पहुंचने के लिए हमको बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उस गांव में कहीं कोई दिया टिमटिमा रहा था, वो लालटेन टिमटिमा रही थी, वो देखते देखते हमने उसी की रोशनी में हम चलते चले जा रहे थे, उसी की रोशनी में, और मतलब खत्म ही नहीं हो रहा था रास्ता, इतना लंबा रास्ता था। एनी हाउ अल्टीमेटली हम, मेरे ख्याल मिडनाइट हो गई होगी, पहुंचे वहां गांव में, दरवाजा खटखटाया, किसी ने खोला, देखा, बंद कर दिया,
फिर एक और दरवाजा खटखटाया, उसने कहा जी हाँ आइए, ठहरिए आप यहाँ पे। हमने कहा भाई हमको ठहरना है, सुबह सुबह निकल जाएंगे हम। उसने बड़ा साफ सुथरा बिस्तर दिया हमको सोने के लिए, खाने के लिए बोला, हम खाना खा के आए। फिर बोले आप अपने जूते उतारिए, हम आपके पैर धोएंगे। अरे वाह, मैं हैरान हो गया, मुझे लगा कि शायद मेरे पैर गंदे हैं इसलिए उनका बिस्तर साफ है, तो हाँ मैं हंटर शूज पहने हुए थे, मेरे पैर कहीं, मेरे पैर साफ है, मैं धुलवाऊं। हाँ तो मेरे को बाद में पता चला, किसी ने बताया था कि जब तो आप किसी बर्फीले इलाके से आते हैं, हाँ किसी पास से गुजर के आते हैं, तो आपके पैर सूख हो जाते हैं ठंड हाँ से। सुन, हाँ वो फिर एक तसले में गर्म पानी लेकर उसमें नमक डाल के वो हाँ हाँ आपको बोलते हैं आप पैर रखिए उसमें, हाँ वो आप खुद रगड़ो या वो रगड़ेंगे आपके पैर, ताकि हाँ आपको मसाज आपका करें। सर्कुलेशन ठीक हो जाए। हाँ, यू फील कंफर्टेबल, आपको नींद अच्छी आएगी। तो तब हमें समझ आया वो ट्रेडिशन था वहां उसका, उस गांव का। हाँ मुझे लगा कि हमें शर्म आई, अब क्यों किसी से पैर धुलवाया, तो मैंने मना किया हाँ और हम सो गए। हाँ और सुबह सुबह 4 बजे उठे, हाँ उसके जो है हमने अपना वो, तो जो मेजबान थे हमारे सोते रहे, उनकी हाँ जो बीबी जान थी उन्होंने जो है टिमटिमाती हुई लाइट लेके हमको रास्ता दिखाया कि ये हाँ यहाँ का घोड़ा बंधा हुआ है। हाँ तो घोड़ा हमने खोला, उसके बाद हम उनका शुक्रिया कैसे अदा करें, हाँ हमने उनको एक डिब्बा दिया कैन जूस का। हाँ तो अब वो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तो पूछा उसने क्या है, हाँ तो अब हम क्या समझाते हैं। तो हमने उसको हिला के दिखाया है कि अंदर पानी की तरह आवाज आ रही है, हाँ उसको यो पीना बाद में। और फोटो हाँ दिखाई, ऊपर सेब की फोटो बनी थी, हाँ एप्पल जूस है। तो हाँ उसने कहा मते क्या खबर, नहीं समझा, उसने रख लिया डिब्बा। हमने रख लो, हम इसे इसी तरह शुक्रिया कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। हम अपने घोड़ा लेके निकल गए। हम सवेरे 5 बजे अपने कैंप पहुंच गए अरे वाह। टाइम से, और वहां वो ग्रुप भी एक आध घंटे में, 2 घंटे बाद शायद वो भी पहुंच गए, 7 8 8 बजे वो भी आ गए थे। नहीं, कुछ देर में आ गए थे वो पहुंच गए। तो उनके टीचर ने बताया हमको, मैंने कहा भाई हमारे पास ज्यादा बर्तन नहीं है। कह रहे कोई बात नहीं, आप पतीला उबालिए चावल का और चादर पर उलट दीजिए चावल, फिर उबालो और फिर चादर पर उलट दो, मतलब चादर में ढेर लगा दो चावल का उबाल के। हमने कहा ठीक है, जैसा आप कहो। कहते जैसे हम कह रहे हैं करो, जो उनके अध्यापक चल रहे थे उन्होंने बताया हमें। हमने फिर दाल बनाई, कहते हैं जी दाल में पानी खूब डाल दीजिए, आप खूब पानी डालो, मतलब उनको लगना चाहिए बस दाल दाल है, मतलब हाँ तो हाँ पड़ता है आप बोल रहे। हाँ हाँ और उनको जो जब पहली बार आए कोई बच्चा लेने, तो उसकी प्लेट में पूरा पहाड़ की तरह भर दीजिए चावल, और उसमें ऊपर से खूब दाल भर दीजिए, कि उसको पहली बार में संतुष्टि हो जाएगी कि मेरा काम हो जाएगा। अगर आप थोड़ा तो 10 बार चक्कर लगाएगा वो, उसका बुद्धि बढ़ेगा। इतनी बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई। चीज दिखाई, क्योंकि भी बहुत हसीन याद है गुप्त उनकी। और फिर वो गांव वालों से हमने वो लिया था, वो लोकल अचार, लोकल प्याज वगैरह वो उनको दिया, सलाद दिया, टमाटर दिया, वो बहुत खुश हो गए। मिर्ची खूब खुश हो खाई उन्होंने। उन्होंने जाके वहाँ कैंप में बताया कि सबसे बढ़िया खाना खाने को मिला वहाँ पे, अचार के साथ में, मिर्चा के साथ में। वो भूलता नहीं हमको वो कैंप हमारा, लू जो है वो हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था उस दिन। उन्होंने 100 में 100